हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सॉफ्ट एंड इजी लुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं करूँगी सबसे पहले आईज़ मेकअप। हर बार मैं बेस करती हूँ तो इस बार मैं आईज़ मेकअप करूँगी पहले, पर पहले उससे पहले मैं स्किन पर अपने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ। तो मैंने अरोमा मैजिक का मॉइस्चराइज़र लिया है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। अब मैं आई मेकअप फर्स्ट कर रही हूँ बेस की जगह, तो मैं कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ आईज़ पर। ये है प्रो कंसीलर आईज़ के लिए। मैं मेबलिन का करती हूँ बट आज मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। दोनों आईज़ पर कर लेती हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्रश से। कौन से इसको डैप कर लूंगी। ये मैंने कंसीलर यूज कर लिया है। अब मैं लेंस लगाने वाली हूँ। टिश्यू ले लेती हूँ। मुझे लेंस वैसे आई बेस करने से पहले लगाना चाहिए था बट इट्स ओके। ये मैं दूसरी आईज में भी लगा लेती हूँ। ये मैंने दूसरी आईज में भी लगा लिया है। ये मैंने आई लेंस लगा लिए हैं। आपको मेकअप करने से पहले लेंस लगाना ज़रूरी है तो आपकी आईज वॉटरी होगी, उससे अच्छा आप पहले यूज़ करें। तो मैंने आई कंसीलर कर लिया है तो अब मैं यूज़ करूँगी हुदा की पैलेट। इनर कॉर्नर पे मैं इसको प्रोडक्ट को प्लेस करूँगी थोड़े सॉफ्ट हैंड से। देखिए इनर कॉर्नर पे मैंने प्लेस कर दिया है। अब मैं थोड़ा ऑरेंज लूँगी और इसको ऊपर ब्लेंड करूँगी। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा और इसको देखे इनर कॉर्नर पे स्मूथ करूँगी। मैंने कर लिया है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर लूँगी, मेबलिन वाला ले लेती हूँ और लूँगी फ्लैट ब्रश। ये वाला फ्लैट ब्रश लूँगी, देख सकते हैं। सेंटर में इसको अप्लाई करूँगी। इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं लूँगी थोड़ा सा शाइनी प्रोडक्ट, ग्रे कलर का शिमर। फिंगर टिप्स यूज़ करूँगी मैं। देखिए अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा फ्लफी ब्रश जो मैंने पहले यूज़ किया था इसकी शेडिंग के लिए इनर कॉर्नर पे। अब मैं यूज़ करूँगी लाइनर ट्विन स्टार का। आज मैं जेल लाइनर यूज़ नहीं करूँगी, आज मैं यूज़ करूँगी पेन लाइनर। लाइनर अब मैं कर लूँगी थोड़ी सी ऊपर शेडिंग, आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी थोड़ा सा, उसको फिंगर से स्मर्ज कर लूँगी। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी।
ब्लेंड कर लिया है। अब मैं करूँगी आईब्रोज। अब मैं सेम ये आईज वाला मेकअप इसमें कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आईब्रोज डन कर लेती हूँ। ये मैंने आईज भी डन कर ली है। अब मैं लगा लेती हूँ आईलैशेस। अब मैं कर लेती हूँ मस्कारा। मस्कारा के लिए मैंने मालियों का मस्कारा यूज़ किया है। आईलैशेस लगाने से पहले भी मैंने मस्कारा किया था और आईलैशेस लगाने के बाद भी मैं मस्कारा कर रही हूँ। अब मैं कर लेती हूँ काजल अप्लाई। पहले ही मेरी आईज़ में इतना वाटर आ रहा है क्योंकि मैंने लेंस लगाया है, तो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है लेंस का, क्योंकि मैं कभी कभार वियर करती हूँ, हमेशा नहीं पहन के रखती हूँ इसलिए। अब मैं बना लेती हूँ बेस। बेस के लिए मैं ले रही हूँ मेकअप स्टूडियो का ओरिएंटल। फटाफट बनाऊँगी मैं, कोई कलर करेक्टर पहले नहीं लगाऊंगी, फिर उसके बाद बेस नहीं। मैं सबको एक साथ मिक्स कर रही हूँ इस पैलेट पर। इस पैलेट पर मैंने कंसीलर निकाला था, इसलिए मैंने ले लिया है। आप देख सकते हैं बहुत कम प्रोडक्ट लिया है। अब मैं मेकअप स्टूडियो का आइवरी कलर यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लूँगी। और मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा मैक का फाउंडेशन। मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। मैं फटाफट वाला बेस बनाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं करूंगी बनाने में। आज मैं मेकअप स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ किया था क्रायलोन, तो मैं मेकअप स्टूडियो कर रही हूँ यूज़। मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको मर्ज कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कवरेज कितनी अच्छी आई है। मैंने कोई स्टेप बाय स्टेप, मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, बट मैंने कोई कलर करेक्टर पहले नहीं लगाया, सब कुछ मिक्स करके मैंने इसको अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट। अब मैं करती हूँ कंटोर नायका की 07 स्टिक से। इसको मर्ज कर लेती हूँ। अब कर लेती हूँ पाउडर कंटूर। नोज पे भी और फोरहेड पे भी। अब उसके बाद करती हूँ पाउडर लॉकिंग, सेम इसी से ही। कर लिया है पाउडर लॉक। अब इसको कर लेती हूँ स्मज। अब कर लेती हूँ ब्लश। अब लगा लेती हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर यूज करूंगी मैं शुगर पैलेट का। अब मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक। ये मैंने कर लिया लिपस्टिक डन। अब उसके बाद आइज़ के नीचे शेडिंग कर लेती हूँ। ये मैंने आइज़ के नीचे शेडिंग कर लेती है। अब मैं कर लेती हूँ फाइनल लुक। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक, आप देख सकते हैं।
आई होप आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।